इवनिंग, अभी ना बाबा 7 बज गया। अच्छा, ट्रीना आई है, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब बाद में दिखाऊंगी। पहले एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो ये ड्रेस अच्छा है ना, ये ट्रीना ने मुझे गिफ्ट किया। अच्छा, एक और ड्रेस लाई। ये भी मुझे बहुत पसंद आया। और एक चीज दिखाती हूँ, फिर से बिंदी। ये ना त्रीना नागपुर गई थी तो ये सब लेके आई मेरे लिए, तो मैं आप लोगों के माध्यम से, मतलब थ्रू यू ऑल, आई वांट टू टेल त्रीना कि बाबा तुम साल में 3-4 बार नागपुर जाओ और मेरे लिए ऐसे सामान लेके आ जाओ। चलो अभी चलते हैं। सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज बॉम्बे एट नाइट। यस, इसीलिए बॉम्बे को बोलते ही है ना माया नगरी। यस यस, सुपर। अब ब्रिज भी कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। हाँ, आज हम कहीं एक स्पेशल जगह पे त्रीना लेके जा रही है, कुछ नया चीज आप लोगों को दिखाऊंगी आज मैं। चलिए वहां जाके, एक्चुअली त्रीना ही कमेंट्री करेगी बाद में, अभी तो मैं खाली ब्रिज दिखा रही हूँ। सीलिंग सीलिंग नशा हो जाता है ना। दारू का नहीं, बॉम्बे से प्यार का। अभी लिए हैं, ये हमें हाजी अली से डायरेक्टली सी के अंदर से टनल के थ्रू मरीन ड्राइव में लेके जाएगा और हमको लगेगा केवल 5 मिनट्स। हाजी अली, ये देखो हाजी अली। हाजी अली, यस। ये है हाजी अली, राइट? Yes. और तुम बोल रहे हो यहाँ से पूरा सी के नीचे जाएंगे हम? बिल्कुल, अभी okay. थोड़ी ही देर में okay. और जो सामने रेड रेड कलर का दिख रहा है वो है महालक्ष्मी टेम्पल। वो हाँ ओ. ये जो अभी जूम करके मैं दिखा रही थी पिंक वाला, हाँ. वो महालक्ष्मी। हाँ बाबा, ये अच्छा, इसीलिए ऐसे कर दिया। और ये हम जगह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। हमने सबसे पहला वाला एंट्री लिया और ये देखिए धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा हाइट पे था, फिर अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। ये देखो भुलाभाई देसाई रोड यहाँ से निकल जाएगा, अभी मतलब सारा बन रहा है।
यहाँ से उस तरफ से शुरू नहीं हुआ, मतलब साउथ नॉर्थ शुरू नहीं हुआ, अभी हम नॉर्थ साउथ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से एग्जिट हो गया गुलाबाई दिक्साई रोड का एंड हम लोग जा रहे हैं। अच्छा ये लेफ्ट में चला गया, ये लेफ्ट में चला गया और हम लोग देखिए एंटर करने वाले हैं। ओह वाओ, टनल टनल टनल। ओके जा रहे हैं ये टनल के नीचे, मतलब सी हमारे ऊपर है, सी हमारे पानी ऊपर चारों तरफ है, चारों तरफ है। ओके तो अगर हम नॉर्मल रोड से जाते, अगर टनल नहीं होता तो वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता जहाँ हम जा रहे हैं? एटलीस्ट हाफ एन आवर तो लगता ही ऑन अ गुड डे, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है ना 40, और ट्रैफिक हो तो और ज्यादा, अदरवाइज भी मुझे लगता है 40 मिनट्स ऐसे मान लो। और इसके अंदर कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। वाओ, एक्चुअली बहुत बहुत एक्साइटमेंट। देखिए 60 इसका स्पीड लिमिट दिखा रहा है, हम तो ऊपर थोड़ा ज्यादा, हमारा 80 में चला रही है 60 में हम नहीं जा रहे, पर सच में टनल कितना अच्छा लग रहा ना। सिर्फ एक ही चीज है, अगर थोड़ा सा पोर्शन भी जरा कांच वाँच का कर देते तो मजा आ जाता। बोलने वाली थी कि जैसे सिंगापुर में है, बहुत जगह पे है ना, पूरा ग्लास का आपको दिखता है, वैसा बनेगा तो कमाल का। पर कुछ लोग डरेंगे भी शायद कि अगर अब पानी अंदर आ गया तो कैसे जाएंगे। हाँ वो भी बात है, पर थोड़ा सा पोर्शन अगर कर देते तो मजा आ जाए। बस लेन है जहाँ पे एक्चुअली अच्छा। लोग जनरली फॉलो करते हैं, वो अंकल क्यों स्टॉप कर रहे हैं पता नहीं, बट लोग जनरली फॉलो करते हैं। ओके वाव, वो तो बहुत स्पीड में जा रहा है भाई उधर वाला। देखो बीच बीच में 80 भी है, यहाँ पे 80 भी है। आ गए, निकल गए। ओ आ गए, वाव। बॉम्बे का ट्रैफिक में ना तो हम पागल हो जाते हैं। और देखो बातें करते करते हम पहुंच गए, ये देखो मरीन ड्राइव पे है। राइट, ये हम बोलते हैं ना कि मतलब हमारे जनरेशन सब कुछ देखा हमने है ना। ये देखो ये वो मुकद्दर से सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर वाला बाइक चलाने वाला, बाइक चलाने वाला। देखिए इतना अच्छा टनल से हम लोग आए ना, इतना अच्छा लगा। थैंक यू थीना एक नया सीट दिखाने के लिए। एंड उसके बाद ना हम लोग डिनर के लिए सोच रहे थे क्योंकि 9:15 हो गया, पर इतना भीड़ है हर एक रेस्टोरेंट में क्योंकि आज फ्राइडे है। ये बॉम्बे का कल्चर ही है, फ्राइडे नाइट मतलब ही भीड़, तो कहीं भी सब जगह बहुत लंबा वेटिंग। तो हम खड़े हैं, मतलब चले आए, अभी हम ढूंढ रहे कि कहाँ जाएं, तो देखते हैं जहाँ भी जाएंगे। क्योंकि मैं ना आजकल थोड़ा जल्दी डिनर कर लेती हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, अभी भी मिल जाए तो ठीक है, पर पता नहीं चल रहा है मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो हम जहाँ जाएंगे बैठ के फिर आप लोगों से बात करते हैं। चलो seeing you after such a long time. Good morning, humans. See your friend and best is one of the better fun. It's too good to be true. Stay here.
फैंसी है, कांट सी एनीथिंग। अच्छा सुनिए ना, हम लोगों ने डिसाइड किया था चाइनीज, तो वहाँ तो नहीं मिला, 45 मिनट का वेट बोल रहे थे, तो चाइनीज एक चाइनीज छोड़ के हम दूसरे चाइनीज, तो कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से सब कुछ डेकोरेटिव एंड एवरीथिंग, ये जो डेकोरेशन सब रखा है सब बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ें भी आप समझ गए ना। एक्चुअली ये होटल के अंदर है, हम एक होटल के अंदर आए हैं जिसका नाम है मरीन प्लाजा, है ना, तो लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, अच्छा है। अच्छा यहाँ पे देखिए कितना सुंदर कटलरी है, देर इज़ अ स्मॉल कप फॉर टी एंड देर इज़ यू नो द वासाबी एंड सॉय के लिए, तो हम लोगों ने क्या लिया है? हम लोगों ने लिया है जस्मिन टी। एक्चुअली पहले ना मुझे बहुत सारे ऐसा लगता है, ये कैसे पियेंगे, ये कैसे खाएंगे, इसका स्मेल अजीब है, पर ट्रीना के साथ रहते रहते ना अभी मुझे भी मतलब मेरा भी टेस्ट डेवलप हो गया एंड मैं टोटली उस पर ट्रस्ट करती हूँ, जो भी वो ऑर्डर करती है मुझे भी अच्छा लगता है। सो आवर फर्स्ट आइटम हैज कम, दिस इज चिकन वॉन्टन, स्वीट एंड स्पाइसी चिकन वॉन्टन। अच्छा वॉन्टन जो है वो बेसिकली मोमो है, बस चाइनीज में से वॉन्टन कहते हैं। और साथ में ये भी दिया है, किमची दिया है एंड पिकल्ड सैलेड। ओके टेस्ट एंड टेल। बहुत अच्छा है, टेस्ट तो अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, और मुझे जैसे शुरू में लगा कि बहुत गर्म होगा, मैं शायद नहीं खा पाऊंगी, थोड़ा डर डर के मुंह में लिया, पर वैसे नहीं है, एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। थैंक यू ट्रीना। और हमारे रिकॉर्ड करते करते दूसरा भी आ गया, तो बता yes. दूसरा क्या है? ये कुछ पता नहीं प्रॉन्स का कुछ है, तू बोल नाम तो मुझे। क्रिस्पी प्रॉन रोल्स। ओके क्रिस्पी प्रॉन रोल्स, तो ये भी खा के बताओ। ये थोड़ा गर्म है। मतलब जस्ट वाओ, देख के लग रहा है जस्ट वाओ, वैसे खाने में भी वाओ, जस्ट वाओ। चलो अभी खा लेते हैं। अच्छा हम लोग ना वो जो दो डिश हमने लिए थे और खाए, पूरा फुल हो गया हम दोनों, और हमने दो बार जैस्मिन टी लेके भी पिए हैं, पर ऐसा लग रहा है कि और कुछ नहीं खाएंगे, मतलब ऐसा हो रहा था कि थोड़ा कुछ हो जाए तो ठीक है पर ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, ऐसे हाल तो था ही, पर अभी हमने फिर भी एक ऑर्डर दिया है, दिस इज़ चिली गार्लिक जिंजर बोला ना उसने उस टाइम, याद है? हाँ एनीवे चिली गार्लिक चिकन पैन फ्राइड नूडल्स, इसका जो खुशबू आ रहा है ना, और दिखने में भी इतना सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा गर्म है पर मैं खा के बताती हूँ। बहुत ही गर्म है, इट्स जस्ट डबल वाओ वाओ, वेरी गुड। Yum yum.
बहुत अच्छा लगा। वो पतला पतला नूडल्स है, बहुत ज़्यादा मोटा नूडल्स नहीं है। उसके बाद पतला पतला गाजर भी काटा है और कैप्सिकम भी काटा है, ऊपर फ्राइड नाइस पैन फ्राइड, अंदर एकदम जूसी नूडल्स, एकदम कंफर्ट फूड की तरह है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। So hi Isha. Hi ma'am. How long have you been working here? From past 2 years. From past 2 years? Yes. Actually, the Google reviews and every TripAdvisor reviews are all full of Isha. What is so special about Isha? Nothing, just the service. So are you from Bombay, Isha? Yes, I'm from Bombay. Okay. I stay in Dadar. You stay in Dadar? Yes. So, and this is your first job? Yes, it's my first job. So do you like it here? Yes, I like it. Okay. So tell us, why should one come to Orange Juice? Because of our specialty cuisine, the Chinese which we serve, and the service which we give you. So Isha, the reviews are absolutely right. You have been very, very good to us. Thank you. And thank you very much for taking care of us today, Isha. Thank you, ma'am. अच्छा त्रिना, ये क्या खा रहे हो? चिली आइसक्रीम फ्रॉम बैचलर्स। अच्छा, मैंने सिखाया ना, कैसा लगा? मैंने सिखाया क्या? आपने सिखाया? मुझे क्या सिखाया? अरे दीदी, मैं यहाँ पे डांस सीखने आती थी, यहाँ पे तब से लेके आ रही हूँ। जब मैं तुमको नहीं जानती थी तब से खा रही हूँ मैं। दीदी ऐसा नहीं है। सीरियसली? नहीं। अच्छा ठीक है, आज क्यों आए हो? आज आपने बोला इसलिए। हाँ, तो तब भी मैं ही बोली, आज भी मैं ही बोली। देखो प्रूफ भी दे दिया मैंने, पर ये मेरा फेवरेट है, अत्रिना का भी फेवरेट है। नहीं मतलब हाँ। देखो देखो, तो तुम्हारा बैचलर्स का क्या? नहीं नहीं, मेरा मेरा बैचलर्स में हम सिर्फ चिली ही खाने आते हैं। हाँ, तो एक्चुअली इट्स मोहरा तो बहुत फेवरेट है। एनीवे चलो त्रिना, थोड़ा तुम दिखा दो, मैं खा रही हूँ। इसमें चिली का टेस्ट आ रहा है। मेरा नाम रफीक है, मैं यहाँ पे 16 साल से काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 22 साल हो गया मुंबई। अरे बाप रे, बैचलर्स में 16 साल। और ओरिजिनल कैलकटा में, मतलब उधर कहाँ घर है? बांग्लादेश? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किधर? न्यू कुछ भी है। ओके, नॉर्थ बंगाल। ओके ओके, चलो थैंक यू, बाय। अच्छा तो ये इसका टेस्ट आ रहा है, लेकिन भर भर के लेकिन ये कम भी हो गया है ना पहले से? सोता भी हो गया, अभी पिघल भी गया। एक्चुअली इतना दूर से लेके आ रहा है ना, इतना लंबा लाइन है, क्या करे। हाँ, पहले हम लोगों को लगा था कि बंद है, राइट, फिर लगा कि बंद नहीं है लेकिन लाइन भी नहीं है। लेकिन अब हम लोग मतलब करीब करीब सच में 500-600 मीटर तो दूर है। आराम से, आराम से। सो वो रफीक भी अभी यही बोला ना, और लाइन देखो ना कहाँ तक है। हाँ, वो एक्चुअली अगर आपको दिख रहा हो तो ऑरेंज पूरा पूरा सब लाइन, ऑरेंज ड्रेस वाले सारे बैचलर्स के घूम रहे लाइन। पर मजा आ गया है ना। ये
एयरपोर्ट कितना अच्छा लग रहा है ना, जितने बार भी देखो ना ऐसा लगता नहीं है, देखो कितना सुंदर है। चलो ऑलमोस्ट घर आ गए, तब चलो एयरपोर्ट देखते देखते सबको बाय कर देते हैं। बाय बाय, बहुत जल्द फिर मिलूंगी, बहुत खुश रहिए। गुड नाइट, गुड नाइट।